सारी क्या होंगी, केस स्टडीज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका, क्वेश्चन इज द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। एक ऑडिटोरियम है उसमें कम से कम कितने पीपल आ सकते हैं टोटल? 1500 पीपल की एकोमोडेशन है। 1500 पीपल की इस ऑडिटोरियम में क्या है? एकोमोडेशन है। द चेयर्स आर टू बी प्लेस इन कंसेंट्रिक सर्कल, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। द चेयर आर टू बी प्लेस इन कंसेंट्रिक सर्कल अरेंज इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो, यानी कि देखो अगर आप इस पिक्चर में देखो सबसे आगे वाला सर्कल सबसे छोटा है, जैसे जैसे पीछे आते जा सर्कल बढ़ता जा रहा है, तो जो सबसे स्टार्टिंग वाला सर्कल होगा वो सबसे आगे वाला सर्कल होगा, उसके पीछे वाला जो सर्कल होगा उसमें चेयर कितनी बढ़ जाएंगी? 10। उसके पीछे वाले सर्कल में क्या हो जाएगा? 10 सीट्स और बढ़ जाएंगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि फर्स्ट सर्कल जो है इनर मोस्ट सर्कल है, इसमें जितनी भी सीट्स होंगी, इसके बाद वाला जो ये सर्कल होगा इसमें 10 सीटें इससे ज्यादा होंगी, इसके बाद वाला जो सर्कल होगा इसमें इससे 10 सीटें ज्यादा होंगी। ये समझ में आ गया? तो बेसिकली ये बन क्या रहा है? एक एपी बन रहा है। समझ आ रहा है? तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई हमें, हेयर अरेंजमेंट, हेयर अरेंजमेंट फॉर्म, यहां पे जो ये अरेंजमेंट बन रहा है इज एन एपी, इज एन एपी, तो ये आपका एक एपी बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, ये भी लिख लेते हैं, विथ कॉमन डिफरेंस डी किसके इक्वल होगा? 10 के। विथ कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 10। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है आपको? इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, फर्स्ट सर्कुलर रो यानी कि फर्स्ट का मतलब हो गया ए, ए की वैल्यू क्या है? 30। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो? तो आपको क्या फाइंड करना है? ए 10। क्या फाइंड करना है आपको? ए 10। नाउ आपको पता है ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो अगर मैं एन की जगह 10 पुट करता हूं तो 10 माइनस वन 9, तो ये होना चाहिए ए प्लस 9d। तो ए आपका कितना है? 30 प्लस 9, डी की वैल्यू क्या है? 10, तो ये हो गया 120। इसका दैट इज 120 सीट्स इन 10th रो, इन 10th रो। ये बात क्लियर है? ठीक है, फिर आपको फिर आते हैं पार्ट टू पर। पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है? 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 1500। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर हेयर SN, भाई टोटल सीट्स आपको बता दी ना, टोटल सीट्स पूरे ऑडिटोरियम में अगर वो कह रहा है 1500 हो तो हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, तो इसमें रोज कितनी होंगी? रोज यानी कि आपको क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n। ओके, नाउ कैन आई से दैट SN इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इन टू डी, यस और नो? भाई लास्ट रो तो पता नहीं हमें, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। SN की वैल्यू क्या है? 1500 इक्वल टू n बाय 2, n तो आपको फाइंड करना है, a व्हाट अबाउट a? 30 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? 10। कोई डाउट है तो बताओ जी। अभी तक आपने a 10 की वैल्यू निकाली थी, वो मैं यहां लिख लेता हूं, कितनी आई थी? 120। आगे नीड पड़ेगी तो यहां लिख लेते हैं। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? 10। a भी लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या है? 30। जो आपने फाइंड किया वो भी आगे जरूरत पड़ेगी, यहां से ले लेंगे वैल्यू। ठीक है, अब देखो जी, 1500 इंटू 2 3000 इक्वल टू एन 30 इंटू 2 60 प्लस एन माइनस 1, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 10 इंटू एन 10n माइनस कितना हो गया? 10। एक आनी क्लियर है? ठीक है, विच इंप्लाइज 3000 इक्वल टू 60 माइनस 10 50, 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 50n प्लस 10n स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 10n स्क्वायर प्लस 50n माइनस 3000 इक्वल टू जीरो, माइनस 3000 इक्वल टू जीरो। अब दोनों साइड अगर मैं जीरो 10 से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300, और जीरो को 10 से डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा।
अब 300 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 5 आ जाए, 20 और 15, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल टू 0, माइनस 300 इक्वल टू 0, कोई डाउट है तो बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, n ब्रैकेट में माइनस 15 ब्रैकेट में n प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, n प्लस 20 और n माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखो, व्हेन n प्लस 20 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या, माइनस 20, पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। व्हेन n माइनस 15 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या, 15, समझ आ गया? इसका मतलब 1500 सीट्स को अरेंज करने के लिए कितनी रोज की रिक्वायरमेंट होगी, 15, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। हो गया क्वेश्चन? ठीक है, पूछा क्या गया था, हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर, तो क्या कहोगे, देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज जिसको आपने n लिया था इज इक्वल टू 15, तो पार्ट टू क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चले आगे, अब इसी क्वेश्चन का और वाला पार्ट है, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, आफ्टर 10th रो, ये सेकंड पार्ट का और वाला पार्ट है। देखो जी, 10th रो में के हिसाब से वो कह रहा है कि अगर आप सीट्स अरेंज करते हो तो 10th रो के बाद अगर 1500 सीट्स आपको अरेंज करनी है तो 10th रो के बाद कितनी सीट्स अभी भी अरेंज करने के लिए रह जाएंगी, तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे S10 कि 10th रो तक कितनी सीट्स होंगी अरेंज, 10th रो तक जाते जाते कितनी सीट्स अरेंज हो जाएंगी, तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आप लिखोगे वी नो दैट SN, अब देखो मेरे पास A10 भी है, A भी है, तो वी नो दैट SN इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस an, एग्री करते हो? फिर लिखोगे विच इंप्लाइज, तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बाय 2, a 30 20, पहले मैं इसके वैल्यू पूरी लिख देता हूँ, n बाय 2 तो हो जाएगा 10 बाय 2, n की जगह 10 और a की जगह क्या हो जाएगा, चलो हाँ लिखो 30 और an का मतलब a10 की वैल्यू कितनी है, 120, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जी, ये तो हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 150, तो 750 सीट्स तो ऑलरेडी 10th रो तक अरेंज हो जाएंगी। हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, नाउ नंबर ऑफ सीट्स स्टिल, नंबर ऑफ सीट्स स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, After 10th row will be equal to 1500 equal to 750। क्या दिन बाद समझ में आ रही है? Part 3, if there were 17 rows in the auditorium, अब ये important part है, इसको ध्यान से समझ दा, total rows कितनी कह रहे, 17, total number of rows, वो कह रहा है अगर टोटल रोज ही ऑडिटोरियम में कितनी है, 17, खुद ही वैल्यू दे दी। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो, तो पहले तो आप एग्री करते हो यहां पर जो n की वैल्यू है वो 17 है, अब 17 ऑड होता है या इवन, ऑड, तो ये आपका क्या है, ऑड है, अगर ये ऑड है तो मुझे बता दो, अगर ऑड है तो मीडियन की वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 बाय 2, वेरी गुड, n प्लस 1 बाय 2 के इक्वल होता है मीडियन, तो यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 17 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू नाइन्थ रो, दैट इज जो मिडल रो होगी आपकी वो क्या होगी, 9th रो, तो आपसे पूछा जा रहा है इस 9th रो में कितनी सीट होगी, नाउ 9th रो का मतलब हो गया a9,
तो ए नाइन का मतलब क्या हो गया, ए प्लस ए डी, तो ए कितना है 30, वट अबाउट डी 10, तो कितना आ गया 110। तो नाइन्थ रो जो मिडल रो होगी, नाइन्थ रो उसमें कितनी सीट्स होंगी 110। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, नेक्स्ट केस स्टडी इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन इज, वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। इतना दिमाग कौन लगाता है, कौन सोचे सर बस जा रहा है हेलो हाय नीचे से ही हो जाती है हमारी, तो है ना, वो देखो हाय हाय ऐसे चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड दो अ गिवन सेक्शन ऑफ द कंट्रोल्ड एयर स्पेस एंड कैन प्रोवाइड सो एंड सो। खैर हम एस पर आते हैं, चलो अब लास्ट में देखो इसमें एक लाइन है इस पैराग्राफ के, यूजिंग वेरियस कंसेप्ट बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स की झलक दिखाई दे रही है हमें, पता लग रहा है कि मैथ्स का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो बहुत सारे प्लेन उड़ रहे हैं ना, ये देखो ये मक्खियों की तरह जो दिखाई दे रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं कोई इधर जा रहे हैं। अब आते हैं जी मेन बात पर आते हैं। कहता है एट अ गिवन इंस्टेंट ATC फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम, कि मान लो ये है आपका प्लेन की पोजिशन और ये हमारा क्या हो गया ग्राउंड, और यहाँ से इस ग्राउंड लेवल से जब आप इसको देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। इतनी कहानी क्लियर, तो ये हो गया जी हमारा 60 डिग्री, ठीक है। पी फॉर प्लेन ले लेते हैं, ये इसकी फर्स्ट पोजिशन को P1 मान लेते हैं, P1 मीन्स इनिशियल पोजिशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B और ये हो गया ऐसे, ये क्लियर है एंगल ऑफ एलिवेशन। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड उड़ने के बाद इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो 30 सेकेंड के बाद मान लेते हैं P, जो इसकी फर्स्ट इनिशियल पोजिशन थी वो अब यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया है P2 पर, और यहाँ से जो इसका ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो अब क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 30 डिग्री। तो इसको मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, इसको मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कॉन्स्टेंट, बिल्कुल हाइट हमारी कॉन्स्टेंट है, और कितनी है हाइट हमारी 300,000√3 मीटर, 3000√3 मीटर। चलो जी ये P1 हो गया, P2 हो गया, और इसको ले लेते हैं C। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन ड्रॉ नीड अ फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। चलो जी फर्स्ट पार्ट तो हो गया, बता दिया जी हमने डायग्रामेटिकली, हो गया ना फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पर आते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। इस 30 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 30 सेकंड का मतलब यहाँ से, यही कहना 30 सेकंड में P1 से P2 पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो मान लेते हैं A से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है X, और मान लेते हैं A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है Y, और जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उसको हम D ले लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें, रिक्वायर्ड डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं D। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। मुझे अब ये बताओ पार्ट टू मैं यहाँ कर देता हूँ, X के लिए मैं किस पर जाऊँगा, राइट ट्राइंगल ABP1 इन राइट ट्राइंगल ABP1 ये एंगल पूरा कितना है आपका 60 डिग्री। तो आप क्या कहोगे 10 60 डिग्री इक्वल टू P1B अपॉन AB। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, और P1B उतना ही है जितना ये होगा P2C, तो ये हो गया 3000√3, और AB कितना हो गया आपका X, √3 से √3 कैंसिल कर देते हैं, तो आप एग्री करोगे कि X इक्वल टू 3000 मीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 3000 मीटर, कहानी क्लियर है, ठीक है। अब हम निकालते हैं Y, तो Y के लिए क्या करूं, इन राइट ट्रायंगल ACP2, नाउ इन राइट ट्राइंगल ए सी पी टू अगेन क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो
तो मैं बोलूं tan 30 डिग्री इक्वल टू पी टू सी होगा अपॉन ए सी। टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू 1/√3 गुड, और ये कितना है 3000√3। व्हाट अबाउट ए सी वाई, तो √3 × √3 3, तो ये हो गया वाई इक्वल टू 9000, ये देखो 6000। कोई नहीं बेटा, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहे सही जा रहे हो, जग जाओगे, मैं कहते रहा हूँ। तो वाई कितना आ गया 9000 मीटर, कितना आ गया 9000। हाँ दीदी जीनियस, ये आपकी मानता है और इस पर मुझे कोई शक भी नहीं है। देखो क्या कहा दीदी ने, सर मेरी फिगर सही नहीं बनी है लेकिन मेरा आंसर ठीक आ गया। सेम आई होंगी, मैं बोलता रहा हूँ दीदी, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट। ठीक है, तो वाई आ गया एक्स आ गया, तभी तो मैंने कहा पहले खुद ट्राई करो। आपने अच्छे से ट्राई किया और देखो नई नई चीजें, आप क्योंकि क्रिएटिव इतने हो आप लोग। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है डी। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो आपका क्या है स्मॉल डी, किसके इक्वल होगा वाई माइनस एक्स, 9000 माइनस 3000 विच इज इक्वल टू 6000 मीटर। तो ये हमारा हो गया पार्ट टू। नेक्स्ट है आपका और, अब इसी का और वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, अब देखो इसी में चेंज करना आपको, हाइट तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। और कहा जा रहा है इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3 − 1 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो 30 डिग्री है ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये डायग्राम किसका हो गया पार्ट थर्ड का, समझ आ गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ टाइम के बाद, देखो टाइम का तो यहाँ कोई रोल है नहीं तो मैं टाइम पर नहीं जा रहा हूँ, जो भी टाइम उसने मेंशन किया वो कह रहा कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 से कितना हो गया 45। तब आपको क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन। अब अगेन आपको डिफाइन करना है। तो देखो जी थर्ड पार्ट में, जैसे कि ये थर्ड पार्ट है, इसको बना लेते हैं थर्ड पार्ट, तो आप एग्री कर तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, थर्ड पार्ट के लिए इतना पोर्शन तो हमारा एज इट इज ही जाएगा, इतना पोर्शन तो एज इट इज जाएगा। ठीक है, जहाँ टेन 30 डिग्री है यहाँ क्या हो जाएगा टेन 45 डिग्री हो जाएगा, और टेन 45 डिग्री की जगह क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3000, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000√3 मीटर हो जाएगा। कहानी क्लियर है? ठीक है, अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारा 3000, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3000√3 − 3000। तो अगर मैं 3000 कॉमन लेता हूँ तो √3 − 1 मीटर, कोई डाउट है तो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका थर्ड पार्ट नहीं था, ये इसका और वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप सेकंड पार्ट ही लिखो और यहाँ पे क्या लिखो और, तो ये सेकंड पार्ट है और है। ठीक है, हाँ जी दीदी, अब आपका क्वेश्चन क्या है, टाइम क्या है, टाइम का दीदी कोई रोल है ही नहीं, वो तो सिर्फ आपको कहानी बना के दी जा रही है, यहाँ पर टाइम का कोई रोल है नहीं। आपको याद है हमने हाइट एंड डिस्टेंस का जब क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी में, वहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यूज आ रही थी और मैंने क्या कहा था हमें चाहिए डिस्टेंस, हमने इनफैक्ट उसको भी डिस्टेंस में चेंज किया था। तो अगर डिस्टेंस की बना बस टाइम का हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन आगे वाले पार्ट में टाइम का रोल होगा। क्यों, देखो पार्ट थर्ड में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन, ये थर्ड पार्ट है स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला बता दो जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए जो आपका ओरिजिनल डाटा था उसी पर जाना है आपको, ओरिजिनल डाटा का मतलब डिस्टेंस कितना कवर हुआ था, यानी कि ओरिजिनल डाटा के हिसाब से डिस्टेंस कितना कवर हुआ था 6000, और कितने टाइम पर हुआ था 30 सेकंड में, याद आया कुछ, डिस्टेंस हमारा कितना आया था 6000 और कितने टाइम पर आया था 30। देखो निकालने को आप इससे निकालोगे, कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल है, रूट में है वो सिंपल है, क्यों टाइम कितना 30, इसका टाइम देख लो रूट में दिया होगा कुछ 15√3 − 1 सेकंड कुछ ऐसे है। तो मैंने क्या कहा,
मैंने ऑप्शन इजी क्या है, ये ज़्यादा इजी है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज है 6000 और 30, ठीक है। अब ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन हमें किस में निकालना है, किलोमीटर पर आर। तो किलोमीटर पर आर के लिए क्या करोगे, ये देखो 5/18 से होता था, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ दीदी एक देखो आंसर सारे ठीक आए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18/5, और ये कितना आ जाएगा 18/4 जा, तो 720 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका आंसर होगा। समझ आ गया, समझ आ रहा है, ठीक है। आज तो पूरी फॉर्म में आए हो भी सारे, मान्य एक तो आज केस स्टडीज वाले क्वेश्चन और आज माइंडसेट तुम्हारा, तो हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, क्लियर है क्वेश्चन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन इज, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में तो कुछ भी नहीं है, लास्ट वाली लाइन बस आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। आप लेफ्ट वाली फिगर देखो, इसमें एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो इसमें हुआ क्या है कि इसी डिज़ाइन को देख के, इसी तरह का डिज़ाइन एक पर्टिकुलर पर्सन है जो ऐसे डिज़ाइन बनाना चाहता है, जैसे वो चाहता है कि भाई हमारे घर में भी कुछ इसी तरह का डिज़ाइन हो, तो उसने इस डिज़ाइन को एक कार्टेशियन प्लेन पर बनाया, राइट साइड में देखो इसी तरह का डिज़ाइन। अब आप लेफ्ट वाले डिज़ाइन को देखो, कुछ वहाँ पर आपको ऑक्टागन दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्क्वायर शेप फिगर दिखाई दे रही है ना। और राइट वाली साइड जो आपकी मैथमेटिकल फिगर है, वहां भी देखो सेंटर वाली जो रेड वाली फिगर है वो ऑक्टागन है ना, सेंटर में जो रेड, और उसके बाद जो सारे स्क्वायर है कुछ ट्राइंगल्स भी हैं, मतलब उसी डिजाइन को यहाँ पर कॉपी किया गया है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। अब फर्स्ट पार्ट के लिए जो आपकी फिगर है वो मैंने आपको क्वेश्चन में दी है, उसमें देखो आप एग्री करते हो, अगर पॉइंट बी को नोटिस करो तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 1.2 होंगे, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे 1.2, ये क्लियर हो गया। और पॉइंट एफ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -2.9। तो मुझे बी ए फाइंड करना है, मैं इजीली फाइंड कर लूंगा बी और एफ के बीच में डिस्टेंस। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी एंड एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ, एग्री करते हो। बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1.2, और जो पॉइंट एफ है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एज पर कार्टेशियन प्लेन -2.9। कार्टेशियन प्लेन से देख के समझ में आ गया है पॉइंट कैसे आए हैं, समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी और एफ के बीच का डिस्टेंस, दैट इज बी एफ इट इज इक्वल टू -2x2 -x1² +y2 -y1² -2 -1 -3² 9 7² 49 और कितना हो गया आपका 58, ठीक है √58। कोई नहीं दीदी, मैं समझ रहा हूँ आज, ठीक है। तो ये आपका आ गया बी है, आज आपकी गलती नहीं, आप सारे आज नींद में ही हो। अब आते हैं पार्ट टू पर, पार्ट टू देखो, द सेंटर जेड ऑफ द फिगर, कौन सी फिगर, विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स ओ पी। अब ध्यान से देखो, अगर आप फिगर को देखो पॉइंट टू के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, देखो क्वाड्रिलेटरल का डब्ल्यू एक्स ओ पी। अब आप फिगर में डब्ल्यू को देखो, अगर आप इस फिगर में देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो देखो ये हो गया डब्ल्यू, ये क्या हो गया एक्स, और राइट साइड में आगे देखो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है ओ और पी, मैंने इसको ऐसे अटैच कर रखा है। द सेंट्रल जेड ऑफ द फिगर, सेंट्रल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखो सेंट्रल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जेड के रिस्पेक्ट में ये बाइसेक्ट हो रहा है, और जेड के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट होगा। भाई सेंट्रल का मतलब यही तो हुआ कि यहाँ से भी यही सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से भी ये सेंट्रल पॉइंट है, तो क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो डायगनल्स बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो जेड यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, वैसे भी समझ लो आप। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जो WXOP है वो क्या है, इज अ रेक्टेंगल,
और जेड जो है आपका वो मिड पॉइंट है। जेड क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ऑफ ऑफ एक्सपी एंड डब्ल्यू ओ एंड डब्ल्यू ओ, मानते हो इस चीज को? ठीक है, अब देखो आप इनके कोऑर्डिनेट्स पर, नेक्स्ट फिगर पर आओ। नेक्स्ट फिगर पर सारे कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर रखे हैं, फिगर से रिलेट करके देखो कहीं कोई गलत तो नहीं है। W का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ -6.2, एग्री करते हो? फिगर के हिसाब से देखो, X पर देखो W को तो -6 पर जा रहा है, और W का Y वाला देखो तो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो W के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? -6.2। इसी तरह से आप आ जाओ, W हो गया क्लियर, X पर आ जाओ, X के कोऑर्डिनेट तो वैसे ही समझ में आ रहे हैं, वो तो X एक्सिस पर ही है, -4.0। O के कोऑर्डिनेट देखो जी क्या है? 5.9। और P के कोऑर्डिनेट्स आप देखो 3.11। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आपको इसमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड बी, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ जेड बी क्या लोगे? एक्स कॉमा वाई। लेट्स कोऑर्डिनेट ऑफ जेड बी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब मुझे बताओ फोर डायगनल एक्स पी, फोर डायगनल एक्स पी, कैपिटल एक्स है। ठीक है, चलो मैं इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी ले लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी, ए कॉमा बी। तो मैं बोल सकता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये ए किसके इक्वल होना चाहिए इस डायगनल के हिसाब से? एक्स वन प्लस एक्स टू, तो -4+3/2 होना चाहिए, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू। और ये क्या होना चाहिए? बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी 0+11/2। तो अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, कोऑर्डिनेट ऑफ जेड क्या आ जाएगा? -7/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। -1/2 को क्या लिख सकते हो? -0.5। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 5 10 5.5। बस हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? अब यहां से करोगे तो भी यही आएगा, करके दिखाए तो -6+5 क्या होगा? -1 -1/2, 9+2 11/2, कहीं से भी निकालो वैल्यू सेम आएगी। तो मेन पॉइंट क्या है? उसने ये कहा था ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये डायगनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, रेक्टेंगल ना भी मैंशन करो, आपको पता भी ये सेंट्रल पॉइंट है ना, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन बाइसेक्ट होने की वजह से रेक्टेंगल कहा गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, पार्ट पर व्हाट आर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। पहले तो एक बात बताओ, वाई एक्सिस, तो कैन आई से दैट लेट पॉइंट बी पी वाई एक्सिस पर है तो एक्स तो जीरो ही होगा, वाई एक्सिस पर है तो एक्स क्या होगा? जीरो, 0.y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस P पॉइंट का जो A से डिस्टेंस है और P पॉइंट का जो G से डिस्टेंस है वो सेम है कि नहीं है? और इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन में क्या कर देते हैं हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि हमें रूट ना लगाना पड़े। तो क्या हो जाएगा? पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी जी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो, अब ध्यान से देखो इस फिगर में, जो क्वेश्चन में मैंने फिगर दी हुई है, क्या आप एग्री करते हो जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट -2.2 होंगे? फिगर से देख लो है, और पॉइंट जी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स एग्री करते हो -4.7 होंगे? बोलो जी एग्री करते हो? बस, तो फिर अगर एग्री करते हो तो फॉर्मूले पर आ जाओ। मैंने आपको बताया भी हुआ इक्विडिस्टेंट वाले केस में क्या करो, जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर उसके कोऑर्डिनेट्स को पहले रखो, तो 0 -- क्या हो जाएगा? प्लस, तो 0+2² और y -2² इसे थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा
एक इजी हो जाता है भाई, इसको पहले फटाफट जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जीरो प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन, आप चाहो तो एक्स टू माइनस एक्स वन करके कर लो तो भी आंसर सेम ही आना है। तो ये तो हो गया फोर, ये क्या हो गया फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, वाई स्क्वायर प्लस फोर्टीन माइनस फोर्टीन वाई, कुछ कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस फोर्टीन वाई को यहाँ लेके आओ, फोर्टीन माइनस फोर कितना हो जाएगा टेन वाई, कितना हो जाएगा टेन वाई, और देखो फोर प्लस फोर कितना हो गया एट, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है फोर्टी नाइन और सिक्सटीन, फोर्टी नाइन और सिक्सटीन, नाइन और सिक्स फिफ्टीन, सिक्सटी फाइव होगा, प्लस सिक्सटी फाइव यहाँ जाएगा तो माइनस सिक्सटी फाइव इक्वल टू जीरो, तो कैन आई से दैट टेन वाई सिक्सटी फाइव और एट, फिफ्टीन माइनस एट सेवन, और ये कितना हो गया फाइव, तो ये हो गया टेन वाई माइनस फिफ्टी सेवन इक्वल टू जीरो, तो टेन वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू दैट इज फाइव पॉइंट सेवन, देयर फोर जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा आपका वो क्या होगा जीरो कॉमा फाइव पॉइंट सेवन। बोलो जी ये भी क्लियर हो गया, चलें आगे। ठीक है थर्ड पार्ट का और वाला क्वेश्चन है, इसी का ऑप्शनल, इसी पार्ट का ऑप्शनल पार्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एफ जी एच। अब आप फिगर में देखो ए एफ जी एच, देखो अगर आप फिगर के हिसाब से देखो तो ट्रेपीजियम देखो कुछ ऐसा है आपका, देखो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या एच है, ये क्या ए है ट्रेपीजियम देखो, और यहां पर एच के साथ क्या है जी, और जी के साथ क्या एफ, इसी ट्रेपीजियम को क्या कहा जा रहा है ए एफ जी एच। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं, ये कुछ इस तरह से फिगर है आपके, ठीक है ए एफ जी एच है ट्रेपीजियम, फिगर में भी दिखाई दे रहा है आपको, मैंने डार्क शेड में दिखा रखा है फिगर में। ठीक है मुझे ये बताओ क्या आप एग्री करते हो ए एफ के बीच का डिस्टेंस सेवन है, कैसे देखो ए एफ के बीच का डिस्टेंस सेवन कैसे, ओरिजिन से लेके अगर मैं एफ पॉइंट तक जाऊं वाई एक्सिस पर तो वो डिस्टेंस होता है नाइन, ओरिजिन से लेके अगर मैं ए पॉइंट तक जाता हूं तो डिस्टेंस होता है टू, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है सेवन यूनिट, समझ आया कैसे हुआ। फिर आता है जी एच, जी एच जी एच जी एच, देखो जी जी एच, अब जी का डिस्टेंस देखो ओरिजिन से लेके जी तक का डिस्टेंस कितना है सेवन, वेरी गुड, और एच का डिस्टेंस है फोर, तो एग्री कर दो ये थ्री है जी, ये कितना है थ्री, क्या समझ आ गया। अब डिस्टेंस जो होता है आपका वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है आपका, वेरी गुड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये बात समझ आ रही है। ठीक है अब पैरेलल साइड्स तो हो गया आपका ए एफ जो आपने निकाल दिया जी सेवन, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है जी एच, ये भी आपने डिस्टेंस फाइंड कर दिया कितना थ्री यूनिट। अब मुझे इसके बीच का डिस्टेंस बताना है ए एफ और जी एच के बीच का, फिगर से देखिए ए एफ देखो और एच जी देखो, अब देखो अब ध्यान से देखो एच वाले पॉइंट को एक्स एक्सिस पर लेके आओ, एच वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर लाइक कर रहा है माइनस फोर कर रहा है, ठीक है, और ए वाला पॉइंट किस पर कर रहा है माइनस टू, अब डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है तो टू और फोर के बीच का डिस्टेंस टू यूनिटी तो हुआ, टू और फोर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ टू यूनिट, कितना हुआ टू यूनिट, तो इसका मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये हो गया आपका टू यूनिट, तो इसका मतलब क्या हुआ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड सेवन प्लस थ्री इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड दैट इज टू, तो टू से टू कैंसिल, सेवन प्लस थ्री कितना हो गया टेन यूनिट, टेन स्क्वायर यूनिट एरिया है ना, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसी के साथ ये पेपर हमारा फाइनली कंप्लीटेड, सारे सेक्शंस कंप्लीट। ठीक है
चलो जी, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।